नमस्कार मित्रों स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है मेरे रंजन कुमार पाठ्योजना क्रमांक बीस तिथि पंद्रह सात दो हजार बाईस कक्षा दसवीं विषय हिंदी हिंदी व्याकरण क्लास पाँचवीं अवधि पैंतालीस मिनट तीन शुक्रवार छात्र अध्यापक या अध्यापक अपना अपने अनुरूप नाम लिखेंगे विद्यालय जिस विद्यालय में आपका इंटर्नशिप होगा जैसे राजकीय मध्य विद्यालय तिथि राज्य प्रकरण लिखेंगे उपसर्ग सामान्य उद्देश्य में बच्चों में हिंदी भाषा एवं व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना दूसरा विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना तीसरा बच्चों को शब्दों का वाक्यों में उचित शुद्ध प्रयोग करना सिखाना चौथा छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क शक्ति रचनात्मक तो प्रवृत्ति का विकास करना विशिष्ट उद्देश्य में पहला विद्यार्थी शब्द की रचना को समझकर कर वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे दूसरा छात्र उपसर्ग युग युक्त शब्दों को जानने में रुचि ले सकेंगे छात्र उपसर्ग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे चौथा विद्यार्थी उपसर्ग का अभ्यास कर कर विशेष योग्यता प्राप्त कर सकेंगे सहायक समय चौक डस्टर संकेतक आदि शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि व्याख्यान विधि पूर्व ज्ञान विद्यार्थी उपसर्ग के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं प्रस्तावना प्रश्न में तीन कलम क्रम संख्या अनुक्रिया का पहला प्रश्न दास जी, जी ने कौन से ब्रह्मा की उपासना तो की निराकार शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है तो प्लस आकार शब्दांश क्या है तो उपसर्ग चौथा प्रश्न उपसर्ग के विषय में आप क्या जानते हैं समझाइए उत्तर समस्यात्मक उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों आज हम लोग उपसर्ग के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे प्रस्तुतिकरण पहले पेज में दो कलम शिक्षण बिंदु एवं क्रिया दूसरे पेज में विद्यार्थियों क्रिया शिक्षण विधि एवं शैंपट कार्य पहला प्रश्न है छत्रधापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न उपसर्ग किसे कहते हैं दूसरा प्रश्न उपसर्ग का अर्थ क्या है शब्दों के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांश को उपसर्ग कहते है। उत्तर समस्यात्मक शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर उपसर्ग सैपर्ट कार्य में उपसर्ग संस्कृत का शब्द है उपजोड़ सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है उपसर्गों की संख्या हिंदी में तीन उप प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं संस्कृत उपसर्ग कुल उन्नीस है हिंदी उपसर्ग कुल दस हैं, उर्दू उपसर्ग कुल बारह हिंदी में अपने उपसर्ग और रोकना आध अधूर्ण उन्मिश एक कम अ मना करना मिश हीन बुरा का अर्थ भाव निषेध बिन का निषेध भर का ठीक पूरा क बुरा हीन श्रेष्ठ, शांत। सुन बंदु उपसर्ग का अर्थ क्षत्राध्यापक कथन उपसर्ग शब्द संस्कृत का है संस्क। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर उप जोड़ स्वर्ग से बनता है उप का अर्थ है समीप तथा स्वर्ग का अर्थ है सर्जना या सृष्टि अर्थात समीप आकर जो किसी शब्द को नए अर्थ वाला बना दे या उसमें नए अर्थ की रचना कर दे निरुक्तिकार याश्क ने उपसर्ग को शब्दों का एक महत्वपूर्ण विभेद माना परंतु उपसर्ग शब्द नहीं कहे जा सकते शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है और उपसर्ग शब्द उपसर्ग शब्द के साथ मिलकर ही सार्थक होता है अलग रहकर नहीं उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर निम्न कार्य करते हैं शब्दों के अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं शब्दों के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते जैसे गमन शब्द में अनुपसर्ग लगा कर अनुगमन बना गमन में जाना अनुगमन में अनुसरण पीछे चलना पुनरावृत्ति प्रश्न में छत्राध्यापक क्रिया विद्यार्थी अनुक्रिया पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं शब्दों के पहले लगने वाले कुछ निश्चित शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं दूसरा प्रश्न है हिंदी में उपसर्गों के कितने प्रकार मिलते हैं तो हिंदी में तीन प्रकार मिलते हैं उपसर्गों के भेद तीसरा प्रश्न हिंदी के अपने उपसर्ग की संख्या और उनका अर्थ बताइए हिंदी में अपने उपसर्गों की कुल संख्या दस है उपसर्ग अर्थ उपसर्ग अर्थ अन अनिश आदि अपूर्ण से एक कम औमिश मना कर नीन दुमिशीन बुरा विशेष निषेध बीन निषेधिक्रेष्ठ सात गृह कार्य में पहला प्रश्न उपसर्ग को परिभाषित कीजिए दूसरा प्रश्न हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं तीसरा प्रश्न हिंदी के अपने उपसर्गों की संख्या और उनके अर्थ लिखे में अपना हस्ताक्षर और दाहिनी और परीक्षा का हस्ताक्षर अच्छा दूसरे पेज में प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर करेंगे चैनल को फॉर सक्सेस को लाइक कीजिए सब्सक्राइब एंड धन्यवाद